अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 13.16 को यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। What is equivalent resistance of each combination? हमें कहा जा रहा है 3 रेजिस्टर हैं और तीनों की जो वैल्यू है वो 12 ओम है और हमें कहा जा रहा है हम उनको 4 मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। What is the equivalent resistance of each combination? हमें कहा जा रहा है what is the equivalent resistance of each combination, जो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बताओगे हर एक का आप इक्वीवेलेंट भी निकाल कर बताओगे। तो सबसे पहले हमने बनाना है डेटा। डेटा में हमने लिखा R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टर है और तीनों की वैल्यू जो बताई जा रही है वो 12 ओम है और हमें हर कॉम्बिनेशन का बताना है R उसका इक्वीवेलेंट। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमने बिल्कुल सिंपल रखी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की हेडिंग लगा ली, डायग्राम भी याद रखना इसमें बनाना जरूरी होता है। R1, R2 और R3 रफली बनाएगा, बहुत साफ सुथरी नहीं लेकिन बनानी जरूरी है। ये सीरीज में है, ओके भाई सीरीज में थे तो हमने सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इक्विवेलेंट मालूम कर लिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में तो सिंपल प्लस करना होता है, ओके भाई हमारे पास R की वैल्यू आ गई 36। पहला पार्ट सॉल्व। सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमने इन तीनों को पैरेलल में रख दिया, सिंपल। तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 12 12 12, एलसीएम 12 आ गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, R की चाहिए, लिहाजा R ऊपर आएगा, 12 ऊपर आ गया, 3 नीचे। तो ये क्या हो गया हमारे पास 12 / 3, हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है वो 4 ओम है, R की वैल्यू आ गई। दो कॉम्बिनेशन का आंसर निकाला। थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, दो को हमने पहले सीरीज में रखा है और तीसरा इनके मुकाबले में हमने पैरेलल में रखा। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दो सीरीज वाले को हमें सॉल्व करना होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो RA कहलाएगी और RA जो है वो R3 के मुकाबले में, RA जो है वो R3 के मुकाबले में क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को सीरीज का हमने फॉर्मूला लगाते हुए RA मालूम किया है और RA की जो भी वैल्यू आएगी पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हुए हम इसको R3 के साथ सॉल्व करेंगे। तो RA के लिए हमने क्या किया, R1 प्लस R2 12 + 12 कितना हो गया 24, RA की वैल्यू आ गई। अब ये RA जो है वो R3 के मुकाबले में पैरेलल में, तो मुझे R चाहिए ना, तो 1/R बराबर है 1/RA प्लस 1/R3। अब RA 24 है, R3 12 है, एलसीएम हमारे पास क्या हो गया 24 और ये हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास हो गया प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और ये आ गया 24। अब हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें R की चाहिए, तो 24 ऊपर आ गया, 3 नीचे, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास R की वैल्यू जो आ जाती है वो 8 ओम है। तो तीन कॉम्बिनेशन हम निपटा चुके हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमने पहले वाले दो रेजिस्टर, देखो यहाँ था पहले वाले दो रेजिस्टर को आपस में सीरीज में रखा था और उन दोनों के इक्विवेलेंट को तीसरे के मुकाबले में हमने पैरेलल में रखा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले वाले दो को हमने पैरेलल में रखा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो इसके मुकाबले में सीरीज में होगा। तो हमने पहले R1 और R2 पर पैरेलल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो RA होगी और ये RA जो है वो R3 के मुकाबले में सीरीज में होगा। तो हमने RA निकाला है पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर, 1/RA ये बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो गया 12 12। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 12, 1 + 1 कितना हो गया 2, हमें 1/RA की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें RA की चाहिए, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे, 12 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा RA की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये RA और R3 दोनों किस में हैं, सीरीज में, RA और R3 जो है वो किस में हैं, सीरीज में है, तो RA प्लस R3 6, R3 की वैल्यू कितनी है 12, तो 6 + 12 कितना हो गया है, हमारे पास R की वैल्यू आ गई है 18 ओम,
जो कि हमारी इस फोर्थ कॉम्बिनेशन का आंसर है। इस तरीके से चार नंबर का सवाल है, चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने करके इक्विवेलेंट निकालना है और इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।